ओके दोस्तों, तो अब हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। पिछले क्वेश्चन को बताते बताते मैं थक गया, और बहुत ज़्यादा बेकार तरीका मुझे लग रहा है, बट रिलैक्स, काम डाउन, ऑल इज़ वेल। ठीक है, बेहतर है, चल रहा है। आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। मैंने कुछ वीडियोस देखे हैं, कक्षा 9 को पढ़ा रहे हैं एक टीचर, लाइव क्लासेस चलाते हैं वैसे, हालांकि मैं भी लाइव क्लासेस ला सकता हूँ, बट मेरे यहाँ पर नेटवर्क नहीं रहता है। वो पढ़ा रहे हैं, उसी में मतलब सब कुछ चलते जा रहा है, रिलैक्स, धीरे धीरे, अच्छा लगा मुझे। मैंने सोचा कि यार वो जो जब वो कर सकते हैं तो मैं भी ऐसे करता रहता हूँ, धीरे धीरे काम बनेगा, बढ़ेगा, ठीक है, तो बढ़ाते हैं इस काम को। कह रहे हैं कि दिखाइए कि ए और टी के सभी मानों के लिए, बिंदु दिए गए हैं, ए टी स्क्वायर कॉमा है 280, ओके, दूसरा है ए अपॉन टी स्क्वायर कॉमा माइनस 2a अपॉन टी, ओके, ये a बना ही है, अल्फा नहीं है, a कॉमा 0 संरेखीय है, संरेखीय मतलब एक ही लाइन में है, ऐसा हमें प्रूव करना है। a और t के मान किसी भी मान के लिए, भाई बात ये होती है कि इनको संरेखीय करना है। संरेखीय करने के लिए एक समीकरण बनाना होगा जो इनके बीच में बनेगा। अगर मतलब ये संरेखीय है और a और t के किसी भी मान के लिए संरेखीय होने चाहिए, तो हमको इनका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, मतलब इनको क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। अगर ये संरेखीय है तो इनका क्षेत्रफल क्या होगा, 0 हो जाएगा, और हमारे लिए x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये क्या होगा, अगर ये संरेखीय है तो 0 होगा, ठीक है। किसी भी मान के लिए संरेखीय करना चाहते हैं तो ठीक है, हल करते हैं। यहाँ पे वैल्यूज रखे जाएंगे और एक समीकरण मिलेगा, समीकरण में हमको a और t का मान मिलेगा ही नहीं मिलेगा, मतलब मैं देखो, मतलब बात को समझ लो, कहा जा रहा है कि ये और ये और ये तीन बिंदु हैं, a और t के कोनो भी मान रख दो, हर एक मान के लिए संरेखीय है, ऐसा हमें सिद्ध करना है। उसके सिद्ध करने के लिए हमको यहाँ पे त्रिभुज के क्षेत्रफल वाला जो फॉर्मूला होता है वो लगाना है। लगाने के बाद एक समीकरण बनाने की कोशिश करनी है, जैसे कि x और y के बीच में संबंध करके एक समीकरण, आपने एक प्रश्न हल किया था, अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो मुझे खुद ही याद नहीं आ रहा है कि कौन से मैंने प्रश्न आपको करवाया था। वाई का मान याद कीजिए, जब आठवीं सवाल, अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे आठवीं सवाल कहा जा रहा है, वाई का मान याद, लैम्ब्डा का मान याद कीजिए, जबकि ये संरेखीय है आठवीं सवाल में, ऐसा ही कुछ बात है। तो यहाँ पे a और t के मान पे वो निर्भर ही नहीं करता, मतलब वो गायब हो जाएगा और हर स्थिति में आपको क्षेत्रफल 0 मिल जाएगा। तो यहाँ पे हालांकि अब यहाँ पे रखते हैं मिलाने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा, ठीक है, अब यहाँ पे हम लगा लेते हैं, ऐसा करके लगा लेते हैं, ठीक है, त्रिभुज इनको बिंदुओं को मिलाने पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। 1/2 करते हैं x1 80 स्क्वायर, इतना माइनस इतना हो जाएगा माइनस 280 अप और माइनस 0, ठीक है, प्लस x2 80 a अपन टी स्क्वायर 0 माइनस 280, ये हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा a, और इसको रखना होगा 280 माइनस 280 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको रखने का और हो जाएगा 2a अपॉन टी, कुछ ऐसा मिल जाएगा माइनस माइनस प्लस हो के। अब इसको हमको हल करना है और इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का पूरा प्रयास करना है। क्या कर सकते हैं, 1/2 रखो भाई, इसका जब 0 से 7 मल्टीप्लिकेशन होगा कोई चेंज नहीं, मतलब सॉरी यहाँ पे 0 से घटा रहे, मतलब इसमें से 0 घटा रहे, कोई चेंज नहीं होगा, हमको मिल जाएगा 80 स्क्वायर इंटू यहाँ पे माइनस 2a अपॉन टी मिल जाएगा, प्लस यहाँ पे 0 में इसको घटा तो गिनती माइनस में रहेगी, तो a टी स्क्वायर इंटू माइनस 2a t ऐसा मिल जाएगा, और प्लस a से अंदर गुणा करा देते हैं दोनों ही जगहों पे, तो यहाँ पे 2a स्क्वायर t हो जाएगा और प्लस 2a स्क्वायर अपॉन टी हो जाएगा, कुछ ऐसा मिलेगा। यहाँ से एक t ऐसे कट जाएगा और माइनस इधर आ जाएगा,
वन अपॉन टू ऐसे रहेगा, माइनस आगे आ जाएगा, टू ऐसे गुणा हो जाएगा, ए एक गुणा ए स्क्वायर हो जाएगा टी, प्लस यहाँ से एक टी से ऐसे कट जाएगा और ये माइनस आ जाएगा, इस माइनस की वजह से माइनस आ जाएगा, टू ए स्क्वायर अपॉन टी मिल जाएगा। यहाँ पे टू ए स्क्वायर प्लस में है टी, और यहाँ पे प्लस में है टू ए स्क्वायर अपॉन टी। अब देखोगे ये गिनती सेम टू सेम है, प्लस माइनस में कट जाएगी, ये गिनती सेम टू सेम है, प्लस माइनस में कट जाएगी, और आखिर में वन अपॉन टू इंटू जीरो मिल जाएगा, और यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल जीरो मिल रहा है। यहाँ पे टी और ए की वैल्यू कोई बच नहीं रही, सब के सब गायब हो जा रही है, ठीक है। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल मिल रहा है उसमें हम देख रहे हैं कि ए और टी की वैल्यू कुछ बच नहीं रही है, पूरी की पूरी गायब हो जा रही है। इसलिए ये कहेंगे कि यहाँ पे भैया ए और टी के मान पर ये निर्भर नहीं करता है, ठीक है। ए और टी के मान पर ये निर्भर नहीं करता है आपका क्षेत्रफल, आप कोई भी ए और टी का मान रख सकते हो, हर एक स्थिति में आपका जीरो हो जाएगा, मतलब संरेखी होंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल जीरो ही रहेगा। बस यही आपको हल करके बता देना है, आखिर में ये स्टेटमेंट लिख देना है कि चूंकि त्रिभुज के क्षेत्रफल का मान ए और टी पर निर्भर नहीं करता है, इस वजह से ए और टी के किसी भी मान के लिए तीनों बिंदु संरेखी होंगे, बस ये आपको बता देना है। अब क्वेश्चन के वीडियो के लास्ट में पहुंच चुके हैं, दो क्वेश्चन बचे हैं, 14 नंबर और 15 नंबर। दोनों क्वेश्चन का यहाँ पे हल नहीं बताएंगे, बस हल करने का तरीका बताएंगे, और आप पर छोड़ते हैं, कमेंट करके आप बताइएगा क्या मैं 14 नंबर और 15 नंबर क्वेश्चन का हल बताऊं इस बोर्ड पे हल करके या नहीं। पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं, मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूं कि कैसे करना है आपको। एक क्वेश्चन में कहा गया है, यदि बिंदु ए बी सी और डी सम चतुर्भुज ए बी सी डी के शीर्ष हैं। सम चतुर्भुज एक ऐसी आकृति होती है जिसके सभी भुजाएँ बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का नहीं होता है, ऐसी आकृति को समचतुर्भुज कहते हैं। यहाँ पे ए के निर्देशांक दिए गए हैं 1, -2, बी के निर्देशांक दिए गए हैं 2, 3, सी के निर्देशांक दिए गए हैं -3, 2, और डी के निर्देशांक दिए गए हैं -4, -3, ऐसा दिया गया है डी के निर्देशांक। आपको कहा जा रहा है कि ए बी को आधार मान करके इसकी ऊँचाई आपको बतानी है, कह रहे हैं कि ए बी को आधार मानकर समचतुर्भुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये समचतुर्भुज की ये सीधी सीधी लंबवत ऊंचाई होती है, ये ऐसा होगा, ठीक है। बात को समझते हैं कि ये किस प्रकार से निकाला जा सकता है। सबसे पहले बात तो आपको इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। इस चतुर्भुज के क्षेत्रफल को निकालने के टोटल तीन तरीके हम आपको बता दे रहे हैं। पहला तरीका जहाँ पर त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र आपको प्रयोग करना है, जो कि इस चैप्टर में चल भी रहा है और जिसको प्रयोग करना आपको ज़्यादा ज़रूरी है, वो आप करेंगे क्या कि एक विकर्ण की रचना करेंगे, खींचा है, जिससे ये चतुर्भुज दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। आपको त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालना है और जो क्षेत्रफल मिलेगा, ये वाला क्षेत्रफल और ये वाला क्षेत्रफल बराबर ही होते हैं। समचतुर्भुज में ये गुण होता है कि कोई भी विकर्ण उसको दो बराबर क्षेत्रफलों में बांट सकता है, दो बराबर समरूप त्रिभुजों में वो बांट सकता है, सर्वांग सम त्रिभुजों में। तो ये वाला त्रिभुज क्या होगा, बराबर होगा, सर्वांग सम होगा, तो जो इसका क्षेत्रफल होगा वो भी इसका क्षेत्रफल होगा। तो आपको केवल ए बी सी का क्षेत्रफल निकाल करके, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल करके उसमें दो से गुणा कर देना है, दो से गुणा करके दुगुणा करेंगे तो आपको ए बी सी डी का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो क्षेत्रफल निकालने के पहला तरीका जिसका आपको प्रयोग करना ही करना है, ए बी सी का क्षेत्रफल निकाल कर उसको दुगुना कर देना है तो चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल मिल जाएगा। दूसरा तरीका, विकर्णों की लंबाइयां निकाल करके, जो फार्मूला अभी पिछले वाले सवाल में हमने यूज किया था 1/2 विकर्णों का गुणनफल, वहां से हमको इसका क्षेत्रफल निकाल लेना है, ठीक है, वहां से भी आप इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ये दूसरा तरीका जिसका प्रयोग करने की मैं इजाजत नहीं देता, आप इसका प्रयोग ना ही करें, क्योंकि हमको जो क्षेत्रफल का सूत्र प्रयोग करना है, जो चल रहा है वो करेंगे ज्यादा बेहतर रहेगा। तीसरा तरीका जो होता है वो होता है आधार गुणते संगत ऊंचाई, आधार गुणते संगत ऊंचाई, ये होता है क्षेत्रफल का सूत्र। तो आधार तो आपको ए बी, ठीक है, ए बी मिल जाएगा, ए और बी के बीच की दूरी आपने क्षेत्रफल पहले निकाल लिया है, ठीक है। क्षेत्रफल जो भी मिलेगा वो हम बराबर करेंगे किसके, आधार ए बी गुणते उसकी संगत ऊंचाई, अगर हम इसको डी ओ कह सकें तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, डी इंटू ओ, ठीक है, बात को समझेंगे। तो क्षेत्रफल निकालने के तीन तरीके होते हैं, पहला तरीका आपको जो करना ही है, दूसरा तरीका मैंने विकर्णों के आधार पर बताया, तीसरा तरीका जो होता है, अब इसको सब कुछ मिटा देते हैं तो फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा, वो क्या होता है कि आधार गुणते संगत ऊंचाई, ये आधार लेंगे तो संगत ऊंचाई ऐसे लेनी पड़ेगी, ये आधार मतलब कोई भी आधार लेते तो संगत ऊंचाई लेनी पड़ती है, तो ये आधार ये संगत ऊंचाई है, हमको ए बी के आधार पर संगत ऊंचाई, इस ऊंचाई एच का मान हमको या फिर
डी ओ का मान निकालना है, ए बी का मान हम निकाल लेंगे दूरी के सूत्र से, डी बराबर अंडर रूट एक्स वन माइनस एक्स टू होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू होल स्क्वायर। वहाँ से जो दूरी निकलेगी वो ए बी की जगह रखना है, क्षेत्रफल जो आपने सबसे पहले तरीके से निकाला उसको यहाँ पर रखना है और इस दूरी से आपको भाग दे देना है ताकि डी ओ आपको मिल जाए। तो इस प्रकार आप जब प्रश्न को हल करेंगे तो आपको इसका उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से इस प्रश्न को करना है। 15वें सवाल पे हम चलते हैं। 15वां सवाल कहा जा रहा है कि समांतर चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष क्रमशः दिए गए, तीन शीर्ष क्रमशः आपको दिए गए हैं। भाई एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है, समांतर चतुर्भुज हम बना लेते हैं, कुछ ऐसा प्रकार की आकृति बन रही है, तीन क्रमागत शीर्षों के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, क्रमागत क्रमशः शीर्ष कितना है, ए वाला दिया गया है 2.4, ये हम ए ले लेते हैं। बी वाले के बारे में दिया गया है 2+√3.5, ये वाला बी है। सी की बात कर लेंगे 2.6, ये सी है और यहाँ पे डी है। और हमको इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मैंने अभी आपको बताया कि कैसे हम इस सवाल में क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, बिल्कुल वही का प्रयोग करके यहाँ पे भी करेंगे। एक विकर्ण हम ऐसे खींच लेते हैं, विकर्ण यथर भी खींचा जा सकता है, लेकिन हमने वो वाले बिंदु लिए नहीं है, हमने ये लिया है। तो जो इसका क्षेत्रफल होगा इन तीनों बिंदुओं को मिलाने पर बने त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा उसका जब 2 से गुणा करेंगे तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल हूबहू मिल जाएगा। तो 14 और 15 नंबर सवाल है, मेन जो प्लॉट है वो सेम है, आपको समझ में आ गया। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, तीन बिंदु दिए गए हैं, क्षेत्रफल निकालना है, उसके बाद 2 से गुणा कर दोगे तो ए बी सी डी का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो आई थिंक आप इसको कर पाएंगे। अगर आपको 14 नंबर सवाल नहीं आए हैं तो पहले 15 नंबर कर लें, 15 नंबर करने के बाद फिर 14 नंबर पर प्रयास करें, आपको आ जाएगी। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो रहा है तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देख लीजिए, और अगर आपको फिर भी कन्फ्यूजन हो रही है तो कमेंट करके बताइए कि मैं क्वेश्चन बताऊँ या नहीं बताऊँ। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।